बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले चमत्कार की चुनौती और अब उन्हें दंडी सन्यासियों ने खुलेआम ढोंगी और पाखंडी करार दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आजकल एक बाबा जी हैं जो हर तरफ छाए हैं, कभी अपने चमत्कार के लिए तो कभी अपने विवादों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा कहते हैं कि वो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और समस्या का हल चुटकी में निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। बाबा जी की खुद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले नागपुर की एक संस्था ने उन्हें चमत्कार दिखाने की चुनौती दी और अब प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने बाबा को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। संत महात्माओं ने खुलेआम कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई संत वंत नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी हैं। वहीं आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री संत समाज के लिए बदनामी और मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इतना ही नहीं, दंडी सन्यासियों ने यहाँ तक कह दिया कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का अंजाम भी निर्मल बाबा और आसाराम की तरह हो सकता है। दंडी सन्यासियों ने बाबा पर तंज कसते हुए कहा कि दिव्य शक्तियों का उपयोग देश और समाज के लिए करना चाहिए, ना कि मार्केटिंग और प्रचार के लिए। साथ ही बाबा के कार्यक्रमों में जुड़ने वाले श्रद्धालुओं को वहां नहीं जाने की सलाह देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा दे रहे हैं, विज्ञान के दौर में ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही माघ मेले में दूसरे धर्माचार्यों के साथ बैठक करेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कोई फैसला लेंगे। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल चुटकी में निकालने वाले बाबा अपनी समस्या का हल कैसे निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।